6 साल से बदले की आग में मुझे लग रहा था, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वालों से हर हाल में इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन तभी हत्या के केस में वो तिहाड़ पहुंच गया और फिर जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तिहाड़ जेल के भीतर एक कैदी ने दूसरे कैदी पर जानलेवा हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तिहाड़ की काल कोठरी में हुआ ये मर्डर कोई मामूली वारदात नहीं है, बल्कि ये बदले की ऐसी कहानी है जिसमें एक भाई कई साल से सुलग रहा था। वो अपनी बहन के साथ हुई बदसलूकी का बदला लेना चाहता था, वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहता था। इसके लिए वो कई साल से प्लानिंग कर रहा था। तिहाड़ की जेल नंबर 8 में सोमवार की सुबह कैदियों को रोज की तरह बैरक से बाहर निकाला गया, लेकिन उनमें कैदी ऐसा था जिसके दिमाग में फितूर सवार था। वो किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। बदले की आग में जल रहे जाकिर नाम के उस कैदी ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए उसे अपनी बहन के रेप आरोपी से बदला लेना है। फुर्ती से जाकिर उसके सामने आया, फिर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। जब तक जेल कर्मी कुछ समझ पाते, रेप के आरोप में कैद मोहम्मद मेहताब बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। उसे जेल स्टाफ फौरन चिकित्सा रूम में ले गया। प्राथमिक उपचार के बाद भी जब उसकी हालत नहीं सुधरी तो उसे DDU अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी मेहताब की सांसें बचाई नहीं जा सकी। तिहाड़ जेल के DG संदीप गोयल के मुताबिक मेहताब 2014 से रेप के मामले में जेल में बंद था। पुलिस के मुताबिक मेहताब पर जाकिर की नाबालिग बहन के साथ रेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद वो तिहाड़ में बंद था। जबकि अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए आतुर जाकिर हत्या के मामले में 2018 से जेल में बंद था। जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जाकिर ने कुछ दिन पहले ही खुद को उसी वार्ड में शिफ्ट कराया था जहां मेहताब पहले से फर्स्ट फ्लोर पर था। जाकिर ने ऐसा सोची समझी साजिश के तहत किया था ताकि अपनी बहन के रेप आरोपी से बदला ले सके। उसने जेल अफसरों को बताया था कि उसके कैदियों से लड़ाई होती है, लिहाजा उसका वार्ड बदल दिया जाए। जेल अफसर उसकी चाल को समझ नहीं पाए और उसके झांसे में आ गए। सोमवार को जाकिर ने मेटल के एक टुकड़े को घिसकर धारदार हथियार बनाया और फिर जेल के भीतर खूनी वारदात को अंजाम देकर 6 साल पहले अपनी बहन से हुई बदसलूकी का इंतकाम लिया। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।